प्यारे राज दुलारे ELCM के स्टडी चैनल के ऊपर। हाँ तो रितेश, मेरे तरफ से आपको एकदम गुड मॉर्निंग है। रितेश हमारे बीच आ चुके हैं और मैं कुछ ही सेकेंड में क्लास को करता हूँ स्टार्ट। ये देखो मैसेज भी आ चुका है हमारे पास कि क्लास हो चुका है भैया स्टार्ट, है ना। तो मेरे तरफ से सारे लोगों को गुड मॉर्निंग है। एकदम सुहाना सा मौसम, थोड़ा सा लाइट मैं चेंज करना चाहूँगा। एक मिनट में लाइट आ गया, ठीक है। तो करते हैं क्लास को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इस सेशन को हम करना चाहेंगे शेयर, है ना। तो कर देते हैं सेशन को शेयर, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोग के साथ आकर के जुड़ पाएँ। तो राखी कुमारी हमारे बीच आ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग राखी। सतीश राज, गुड मॉर्निंग सतीश। सारे लोगों को गुड मॉर्निंग है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ पाएँ। हाँ सना भी आ चुकी है, तो गुड मॉर्निंग है सना। हाँ काफ़ी अच्छा क्लास करते हैं, अच्छे से हम लोग स्टार्ट क्लास को, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं कि हम यहाँ से जो कमेंट हम लोग का आ रहा है जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से कर देते हैं कमेंट को ऑफ। लेकिन जहाँ भी अगर आप लोग कमेंट दोगे तो मेरे पास कमेंट दिखता चला जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर से, मेरे पास है तो मैं यहाँ पर से आप लोगों को जवाब देता चला जाऊँगा कि कैसा आप लोग का क्लास चल रहा है। आवाज़ एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आप लोग एक बार बता दीजिए, सो दैट मुझको क्लास लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। तो क्लास 9 का स्टोरी है बिहाइव, जो हम लोग का बुक है। एक मिनट यहाँ पर मैं लिख करके आप लोग को बता दूँ, ठीक है, कि हम लोग का जो बिहाइव बुक है, तो इसी बिहाइव बुक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, तो इसी चीज़ को हम लोग लेने वाले हैं, इसी चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आशा है आप लोग को ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आज। हाँ आवाज़ भी क्लियर आ रहा होगा, साउंड क्लियर है, आवाज़ क्लियर है। तो सारे लोग एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से हम लोग एक साथ जा करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ एक्चुअली ये बात ये है कि हम लोग जो OBS से क्लासेस ले रहे थे तो OBS पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, सिस्टम जो है हीट हो जा रहा था और हीट होने के कारण हैंग कर रहा था, ठीक है। तो हीट होने के कारण हैंग कर रहा था, इसीलिए आज हम लोग मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग से क्लास कर रहे हैं। तो खैर इससे कोई बात नहीं है, हम लोग का जो YouTube पर क्लास है, आशा है आप लोग को ये जो है एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। स्टोरी का नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। स्टोरी यहाँ पर ये है, द स्नेक एंड द मिरर। तो करते हैं क्लास को अच्छे से स्टार्ट, बिना कोई देरी के, बिना कोई लेट किए हम लोग क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। और उसके बाद देखते हैं कि क्या हम लोग का क्लास में आ रहा है, ठीक है। तो स्नेक एंड द मिरर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोग का है, इसको इरेज कर देते हैं और स्लाइड को कर देते हैं चेंज। तो ये देखिए हम लोग का स्टोरी आ गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डियर, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लिखा हुआ है ए पुअर होम्योपैथी डॉक्टर इज द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी। बेसिकली ये जो कहानी है, इस कहानी के जो नैरेटर है, इस कहानी के जो मेन एक्टर है, जो इस कहानी को सुना रहा है, वह कौन है भाई? तो एक पुअर, एक गरीब सा होम्योपैथिक का डॉक्टर है, ठीक है, जो इस कहानी को सुना रहा है। आखिर इस कहानी में होता क्या है? काफी हंसा हंसा देने वाला हिलेरियस स्टोरी है बाबू ये। और इस कहानी में बहुत ही ज्यादा कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आते रहते हैं राइटर्स के साथ, राइटर के साथ। एक्चुअली जो इस स्टोरी का राइटर है या जो इस स्टोरी का नैरेटर है, वो खुद एक डॉक्टर है। और डॉक्टर मीन्स ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद बोलता है कि भाई हम डॉक्टर के नाम पर एक छोटा सा धब्बा है। ऐसा क्यों वो बोलता है आगे हम लोग को स्टोरी में पता चलेगा। फिर यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर से लिखा हुआ है, ही लिव्ड इन ए हाउस वेयर देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाज फुल ऑफ रैट्स। वह एक ऐसा घर में रहता था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही नहीं थी। देख रहे हो वहां पर रैट्स लगा हुआ है, तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ चूहे भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे भाई? सिर्फ और सिर्फ वहां पर चूहे भरे हुए थे। तो इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा क्या हुआ है, ऑन ए समर नाइट ही रिटर्न होम लेट फीलिंग सफोकेशन ही ओपेंड हिज विंडो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका जो समरी, एकदम शॉर्ट समरी है, उसको हम बता देते हैं और क्या क्या कौन कौन सा कैरेक्टर है ये भी बता देते हैं। तो एक मिनट यहाँ पर मैं करूँगा स्क्रीन को ब्लैक, और देखो यहाँ पर से लिखते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ
तो देखिएगा, सबसे पहले इस स्टोरी में एक डॉक्टर है। डॉक्टर साहब के आ जाने के बाद इस स्टोरी में कौन आते हैं? तो डॉक्टर साहब के आ जाने के बाद इस स्टोरी में कुछ फ्रेंड्स आते हैं उनके। ठीक है, एक मिनट। फ्रेंड्स, तो इनके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्नेक है। ये जो है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट है, मीन्स सेंटर ऑफ द स्टोरी है। इन्हें के ऊपर जो है ना एकदम यही है। फिगर क्लियर नहीं आ रहा है बच्चा, तो आप क्या करिएगा, इसको मीन्स 120 से हटा करके 480p पे कर सकते हैं, 240 पे कर सकते हैं, 360 पे कर सकते हैं। एक मिनट, मैं भी इसको एक बार में क्या करूं कि इसको 480 पे करने का। देखो एकदम 720 तक आ रहा है यार। आप लोग 720p पे कर सके, देख सकते हो क्लास एकदम आप लोगों को क्लियर आएगा। एक एक, एक चीज़ विजुअल रहेगा एकदम क्लियर। तो जो स्नेक है इसका, वो क्या है भाई, स्नेक इसका प्रोटागोनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ स्टोरी है। और जो हम लोग के डॉक्टर साहब है वही इसके नरेटर है, वही इसके राइटर है, यही सब कुछ है स्टोरी के। ठीक है, तो यही हम लोग देखते चलेंगे। तो कर चलते हैं स्टार्ट। ये देखो बैटरी बैकअप भी दिखला दिया भाई कि सर आपका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। टीचमेंट वालों ने भी नोटिफिकेशन भेज दिया। अब लाइव सेशन ले रहे हैं और ऊपर से क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्रीन शेयरिंग वाला लाइव सेशन ले रहे हैं, तब क्या कर सकते हैं, ये चीज़ तो होना ही है ना जी। सारे लोगों का नोटिफिकेशन तो आएगा, कॉल भी आ जाएगा तो उसमें भी दिखला देगा, व्हाट्सएप आ जाएगा तो वो भी दिखला देगा। उस चीज़ के लिए आप लोग को टेंशन वेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कर चलते हैं आगे। तो स्टोरी का अब हम लोग समरी पता कर लेते हैं कि क्या है स्टोरी का समरी। क्या हम लोग पता कर लेंगे भाई, समरी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समरी में क्या बताया जा रहा है, स्टोरी के समरी में, कि एक डॉक्टर होता है, वो बहुत ही भाग्यहीन डॉक्टर है, भाग्यशाली नहीं इसको हम लोग कह सकते। भाग्यहीन का मतलब क्या हो गया, बेचारा जहाँ जाता है दिक्कतें लेकर के जाता है। होम्योपैथिक का डॉक्टर है लेकिन इसको दवा का उतना ज्ञान नहीं है, इसके पास दवा का उतना कलेक्शन भी नहीं है कि ये क्या कर सके, मतलब दवा समय समय पर ले सके। ठीक है, तो इसको इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होते रहता है, यहाँ पर इसको बार बार इस तरह का प्रॉब्लम होते रहता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ए पुअर होम्योपैथिक डॉक्टर, एक गरीब सा होम्योपैथी डॉक्टर है, इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, जो इस स्टोरी का क्या है भाई, नरेटर है। आगे बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट हो गया हम लोग का। तो क्या बोलते हैं, जब वह अपने कमरे में जाता है, एक दिन की बात है, डॉक्टर साहब आते हैं अपने कमरे में जाते हैं। इनका जो कमरा है ज़्यादा नहीं है, 6x8 का कमरा है। 6x8 मतलब अच्छा से अगर हाथ इस तरह से फैला दे, देख रहे हो मेरा हाथ किस तरह से कैमरा से बाहर चला गया है, तो इस तरह से अगर हाथ फैला दे तो कमरा से बाहर चला जाए। अगर मेरे तरह आदमी रहेगा तब तो हम लोग को चाहिए कम से कम 12x8 का रूम चाहिए। वहाँ 6x8 का एक कमरा है, उस कमरा में रहते हैं। सामने में एक छोटा सा बरामदा है और बरामदा के बाद दरवाजा मेन गेट जो वो होता है वो है बस, और उसी कमरा के ठीक बगल में एकदम छोटा सा किचन है बस। बाकी बाथरूम वगैरह मतलब के बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है बुक में कि बाथरूम वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, अब खेतों में जा सकते हैं, पुराना स्टोरी है, लेकिन ये विदेश का कहानी है जी, इंडिया का कहानी तो है नहीं, बिहार का कहानी तो है नहीं कि लौटा लिए और निकल गए। अच्छा एक चीज आप लोग को पूछते हैं, आप लोग बताना कमेंट करके, लोटा जानते हो ना, लोटा, लोटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन कौन बता सकता है यहाँ पर, कमेंट करके बताओगे अगर आप लोग हो यहाँ पर तो, कमेंट करके बताओ तो कि लोटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखते हैं आप लोग क्या क्या जानते हो। गुड, लोटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाउठा। सना के तरफ से आंसर आया, सना के तरफ से, सुजाता कुमारी नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो लोटा को इंग्लिश में कहते हैं लाउठा, खैर बात ये समझ लगे। तो विदेश में लोटा नहीं चलता है, ठीक है, विदेश में चलता है मग, समझे, और बस यही बात है। तो यहाँ पर क्या है भाई कि बाथरूम वगैरह के बारे में नहीं बताया गया, एक कमरा है, छोटा सा कमरा है, कमरा के बगल में क्या है मतलब एक बरामदा है, बरामदा के बगल में एकदम छोटा सा किचन, उसके बाद एक दरवाजा। लेकिन ऐसा है इनका, ये है कि इनका जो मेन गेट है कि मतलब जो घर है, घर से बाहर जाते हैं बरामदा वाला जो मेन गेट है, तो वहाँ पर दरवाजा एक्चुअली लगा हुआ नहीं है, ऐसे ही एक दरवाजा के लिए जगह छुटा हुआ है, रेंटेड रूम है। ठीक है, रेंट का है, अपना भी नहीं है, उसमें रह रहे हैं। अब ये जो इनका रूम है ना, ऊपर फेंस वाला रूम है, छप्पर वाला रूम है। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे के ऊपर में फ्लोर लगा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब छत लगा हुआ है, और उसके ऊपर क्या है भाई, तो सबका सीमेंटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे में क्या होता है
जहाँ पर लकड़ी का बना हुआ होता है ना, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाता है जब लकड़ी का बना हुआ होगा होगा तो। अब लकड़ी का बना हुआ होने में क्या क्या परेशानी होता है ये समझिएगा। सबसे पहले उसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे, दीमक ज़्यादा लगेगा, जब बारिश आएगी तो उसमें नमी आ जाएगा, फंगस लगने लग जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत अलग अलग तरह का प्रॉब्लम आ रहा था, फिर भी डॉक्टर साहब इस चीज़ को मतलब क्या कह सकते हैं, नज़रअंदाज किए हुए आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो एक दिन काम पर से ये लौटते हैं, और काम पर से लौटने के बाद कहाँ चले आते हैं, अपने घर को आते हैं, मतलब डेरा पर आ जाते हैं। तब यहाँ पर लिखा हुआ है, भेनी इंटर हिज रूम देन ही लिट अप ए किरोसिन लैम्प। इनके यहाँ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी नाम का कोई चीज नहीं है, इनके यहाँ क्या है भाई, लैम्प जला करके रह रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब बहुत गरीब हैं, ठीक है। तो बोलते हैं, देन ही लिट अप अ किरोसिन लैम्प एंड सेट ऑन ए चेयर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज मिरर एंड टुक आउट अ मेडिकल बुक टू स्टडी। अब होता क्या है कि डॉक्टर साहब मतलब मेडिकल बुक रखे हुए हैं तो उसको स्टडी भी करते हैं, तो सबसे पहले तो कमरे में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद एक बड़ा सा मिरर होता है, ठीक है। तो डेली का इनका यही है, काम पर से लौटते हैं, थके हुए हारे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में इंटोनेशन इस तरह का है ना कि आने के बाद भी ये क्या करेंगे, आने के बाद थोड़ा सा चेयर के ऊपर इस तरह से आराम से बैठ गए और हाथ में एक मेडिकल वाला बुक, जैसे मेरे पास ऑक्सफोर्ड है, हम ऑक्सफोर्ड वाला बुक इस तरह से ले लिए और लेने के बाद इस तरह से बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब पढ़ते पढ़ते इनका आदत था कि पढ़ते पढ़ते एक बार ऐना में अपने आप को जरूर देखते थे, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे लड़की होती है, लड़की उसका एकदम अजीब अजीब लक्षण होता है जी, एकदम विचित्र प्राणी लोग पाए जाते हैं ऐसे में। लड़कों ऐसा होता है, ऐना के सामने बैठ गया ना, तो लड़का लोग के देखोगे ऐना के सामने बैठ गया ना, दो बार बाल को जब तक ऐसे ऐसे नहीं करेगा ना, तो बोलेगा लड़का काहेल है नहीं जी। एक बार बैठ गया, सही बात, आप लोग कमेंट करके बताओ ऐसा होता है कि नहीं। लड़की लोग एक बार बैठ गई तो एक बार ऐसे करे, ऐसे मतलब एक बाल इतना बड़ा है, ऐसे झुर के लटका ले, फिर ऐसे करके एकदम किनारे से ऐसे करके एक बार मतलब साइड कर लेगी। लड़का लड़की का बहुत बड़का लक्षण होता है। अब पता नहीं आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व किए हो? हम तो कभी कभार ऑब्जर्व कर लेते हैं भाई, ठीक है, कभी कभार हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बता देना कि ये ओरिजिनल चीज है, सही चीज है कि गलत चीज है। तो खैर, आगे क्या होता है कि बहुत सारे लड़का का आदत है, बहुत सारे लड़की का भी ऐसा आदत है कि हम लोग को इस तरह से मतलब वे लोग करते रहते हैं, ठीक है, मतलब अवांछनीय पदार्थ के जैसा। अब ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब भी इंटर किए, इस तरह से हाथ में बुक लिए हुए, बुक पढ़ रहे हैं, और जब बुक पढ़ रहे होते तो सामने लगा हुआ है मिरर, वो हमेशा मिरर को ऐसे करके मिरर को देख रहे हैं और मिरर को देखना शुरू कर देते हैं। जब मिरर को देखते हैं ना, तो इनके मन में अलग अलग तरह का ख्याल आने लग जाता है। कैसा कैसा ख्याल आता है ये बता देते हैं। सबसे पहला इनका ख्याल आता है कि मेरा जो है उम्र हो गया है, अब हमको शादी वगैरह कर लेना चाहिए नहीं जी, इस तरह से उनका मन में ख्याल आता है। बहुतों का अलग अलग ख्याल है, बहुत सारा सोचेगा कि हम अब सेव करा लेंगे, बहुत सारा लड़का लोग देखेगा तो बोलेगा हमरा से हैंडसम कोई है, अपने आप को सलमान खाने समझ लेंगे, ठीक है। रितेश को पता नहीं है कि ऐसा नहीं हो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। हम लोग तो ऑब्जर्व करते चल गए हैं, नहीं बोलता है उसको तजुर्बा, उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्जर्व तो जरूर करते हैं भाई। तो अगला लाइन यहाँ देखिएगा क्या लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ए लार्ज मिरर के सामने बैठ जाते हैं, वहाँ पर बैठ के स्टडी करने लग जाते हैं। ही कुड नॉट कंसनट्रेट एज द वेदर वॉज हॉट। अब गर्मी का जब दिन रहता है तो कैसे करके कॉन्सेंट्रेट डॉक्टर साहब कर पाएंगे? डॉक्टर साहब को कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या चाहिए भाई? इनको चाहिए वहाँ पर कि हम अस्थिर से बैठे हैं, यहाँ पर गर्मी जो है वो मतलब जो वेदर है वो हॉट है, तो कैसे करके गर्मी का दिन में आप भी पढ़ते होंगे, क्या कंसंट्रेशन हो पाता है? तो डॉक्टर साहब का भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो आईना में इनका चेहरा दिख जाता है इनको। व्हाइल लुकिंग एट द मिरर ही मेड टू प्लान्स टू लुक मोर हैंडसम एंड ही विल स्टडी डेली, ही वुड कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस। वाह, he will save daily, study नहीं, he will save daily and he will keep a smile on his face। अब बात यहाँ पर क्या किया जा रहा है ये समझिएगा, एक चीज को आप अच्छे से समझिएगा। देखो क्या बात करते हैं, बोल रहे हैं ना डॉक्टर साहब इस तरह से बोल रहे हैं कि एक्चुअली है क्या, देखिएगा जब आईना को ये देख रहे हैं तो आईना देखते देखते इनका मन में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अब क्या ख्याल आता है? तो दो दो को ख्याल आता है, बड़का बड़का एकदम
धरती हिला देने वाला डिसीजन लेते हैं। डॉक्टर लोग जो होता है ना, उसको छुट्टी जल्दी मिलता नहीं है। तो अगर कोई डॉक्टर बोले कि हम डेली सेव करा के रहेंगे, और दूसरा बोले कि आज से ज्यादा हैंडसम दिखने का कोशिश करेंगे, मतलब फ्रेंच बियर्ड रखेंगे, तो मतलब चश्मा पहन के रहेंगे और कोट पैंट में हमेशा रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर का एक टिपिकल, क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर का एक टिपिकल फेस होता है, डॉक्टर का एक टिपिकल वर्क होता है। ये लोग क्या करेगा, हैंडसम दिखने के लिए डॉक्टर थोड़ी ना बनता है। कोई डॉक्टर ऐसा थोड़ी ना कि जो बोलेगा कि हम हैंडसम दिखने के लिए डॉक्टर बने, नहीं, डॉक्टर सेवा भाव के लिए बनते हैं भाई। डॉक्टर बनेंगे कि हम काम करेंगे, लोगों का इलाज करेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब का क्या कहना है कि नहीं, हम जो हैं, हम यहाँ पर क्या करने के लिए बने हैं, हैंडसम बनेंगे। तो पहला अर्थ अर्थ सकिंग डिसीजन है, और दूसरा अर्थ सकिंग डिसीजन है कि आज से हम डेली सेव करेंगे, है ना, और हमेशा चेहरा पर एगो स्माइल रखेंगे। बताइए, तो यही ख्याल आता है कि चेहरा पर हमेशा स्माइल रखना है, और हमेशा मतलब सेव करके रहना है, हैंडसम दिख करके रहना है। जब इतना काम हो जाता है, जब इतना बात ये एकदम मन में ठान लेते हैं, तो सेकेंडरी प्लान, इनके मन में वो सेकेंडरी प्लान भी आ जाता है। क्या सेकेंडरी प्लान आता है, ही प्लान्स टू मैरी अ फैट लेडी, वह एक मोटी घाटी लेडी से शादी करने का प्लान करते हैं। बताओ यार, है जी, सबका सपनों का रानी मतलब अलग होता है, बोलते हैं ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो सबका सपना अलग अलग होता है। सब बोलता है कि हमको स्लिम चाहिए, हमको ट्रिम चाहिए, हमको ब्यूटीफुल चाहिए, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमको ब्लैक पत्नी चाहिए, काली, और कैसी, तो फैट पत्नी चाहिए, मोटी भी चाहिए और काली भी चाहिए। काहे चाहिए जी, ऐसा किसी को देखे हो कि हम काली पत्नी से शादी करेंगे या मोटी से शादी करेंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर विथ प्लेंटी ऑफ मनी, और कैसी पत्नी चाहिए, पैसे वाली चाहिए, ठीक है, कैसी पत्नी चाहिए, पैसे वाली भी पत्नी चाहिए। तो काहे पैसा वाली इसलिए चाहिए कि बेचारे ही गरीब डॉक्टर है, इसके पास न उतना पैसा है, न कौड़ी है, न रुपया है, कुछ है नहीं उसके पास, 63 रुपया रखे हुए हैं अपना कोट के पॉकेट में, 63 रुपया 300 रुपये महीना मिलता है, वही जो कुछ बचा के रखे हुए पॉकेट में, वो चोरी हो जाएगा कुछ देर में। तो जब इस तरह से देख रहा होता है आईने में, और बहुत देर तक सोच रहा होता है, काफ़ी देर तक इस तरह से सोच रहा होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, शादी करना है कि नहीं करना है, तो बार बार इरादा अपना रहा होता है। अब देखिए कारण क्यों है, इरादा ऐसा क्यों है कि इसको मोटी लेडी से शादी करना है, तो बहुत अच्छा एक रीज़न बताता है। रीज़न ये बताता है कि जब हम शादी करेंगे, जब मेरी शादी होगी और मोटी लेडी से शादी होगी, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाएगा ना, तो हम दौड़ के फुरफुरा के भाग जाएंगे, वो मोटकी हमारे पीछे भागवे नहीं करेगी, है ना, उसको चिढ़ा देंगे हम मोटकी, अब हमारे पीछे भागियो नहीं पाएगी। तो देख रहे हैं कितना दिमागदार डॉक्टर है, इसको तो साथीराम घर जोड़े बनना चाहिए, कहीं डॉक्टर कैसे बन गया महाराज, है जी। तो खैर जो भी है, इसका शादी वगैरह का इसका प्लान चल रहा है कि हमको मोटी लेडी से शादी करना है। काली इसलिए होनी चाहिए कि दूसरा कोई मेरा वाइफ के ऊपर नज़र नहीं डाले, खाली हम ही नज़र रखें अपने वाइफ के ऊपर, और मेरी जो पत्नी होनी चाहिए वो धावक नहीं होनी चाहिए, दौड़ने वाले नहीं होनी चाहिए, कारण कि हम लाइफ में हमेशा गलतियाँ करते रहते हैं। इतना बड़ा डॉक्टर है, पैसा 1 रुपया नहीं, जॉब नहीं है, कुछ है नहीं, कमा नहीं रहे, तो पत्नी मारवे नहीं करेगी झाड़ू से, हैं। तो ये अपना पत्नी का इस तरह से इमेजिनेशन करें अपने वाइफ के लिए। सडनली देयर वाज अ साउंड ऑफ थर्ड एंड रैट्स स्टॉप्ड मेकिंग नॉइज। अब यहां पर क्या था कि कुछ मतलब थर्ड का आवाज आया, थर्ड मतलब जिंगलिंग, थर्ड होता है बांस बल्ला जब आवाज करता है ना, तो उसको थर्ड का आवाज कहते हैं, ठीक है, और मतलब कहीं पर सरपट सरपट का आवाज जब आता है ना, तो जब इनके घर में क्या है, राफ्टर्स लगा हुआ है, कड़ी लगा हुआ है, और उस कड़ी के ऊपर क्या होता है, चूहा वगैरह दौड़ रहा है घर में, सारे के घर में लगभग तो बहुत सारे के घर में चूहा होगा, तो चूहा कितना अच्छा होता है आप लोग तो जानते हो, आर्मी का तैयारी करके आता है वो लोग, नहीं जी, पतला से पतला तार पर दौड़ जाएंगे, और लोहा वाला जो फेंस रहता है उसको काट देंगे, सब चीज मतलब बहुत पावरफुल होता है वो लोग। तो यहाँ पर भी वही है, ये सो ये मतलब ये जो चूहा देव है, चूहा देव बोलती है नहीं, तो इनके घर में भी क्या है, ये जो चूहा लोग है वो राफ्टर के ऊपर चल रहा है, और चलता है तो आवाज करता है, तो बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, इतना लाइट तो है नहीं कि पीछे दिखेंगे तो चूहा दिखे जाएगा, चूहा अगर दिखता नहीं है। एकाएक क्या हुआ, इनका आवाज चूहा का आवाज आना बंद हो गया, ठीक है। द डॉक्टर टर्न्ड बैक टू सी व्हाट हैपेंड, ओके, ही फाउंड अ स्नेक लैंडेड ऑन हिज शोल्डर। अब हुआ क्या कि एक बार आवाज आया, डॉक्टर साहब पीछे देखे कुछ नहीं था, पहला बार फॉल्स चल गया, दूसरा आवाज आया, डॉक्टर साहब पीछे मुड़ के देखे कुछ नहीं था, फॉल्स चल गया,
तीसरा बार जानते हो आवाज नहीं आया, तीसरा बार हमला हो गया किनका, ये जो हरा हरा दिख रहा ना, काला काला इसने में सांप था, ऐसे ही मतलब इसी तरह से राफ्टर के ऊपर लिपटे हुए था। चूहा देखा तो डर गया, चूहा का आवाज आना बंद हो गया और एकाएक ये फिसल गया और फिसलने के बाद नीचे गिर गया जमीन पर। डॉक्टर साहब जब तक नीचे देखते कि क्या गिरा है, तब तक इनके बाएं पैर से होते हुए बाएं हाथ और कंधा पर आकर के लपेट के वो सांप ऐसे करके बैठ गया है ना। और उसके बाद सांप इनको देख रहा है, ये सांप को ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो क्या रहा है जानते हो, यहाँ पर हो रहा है आंखों से आंखें चार करने दो, है ना जी, क्या बोल रहा है आंखों से आंखें चार करने दो। तो सांप उधर से क्या बोल रहा है, डॉक्टर थोड़ा प्यार करने दो। ले सांप छोड़ने वाला है नहीं, सांप इस तरह से देख रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब क्या है भाई साहब, डरे हुए हैं। अब सांप से नजदीकी इनका बढ़ गया, डॉक्टर साहब का इनका यहाँ पर जो हाल था ना, मतलब इतना ज्यादा बेहाल हो गया। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, कभी आप लोग घर में सांप देखे हो या कभी एकदम आपके नजदीक से होके गुजरा है कि नहीं भाई। देखो हम लोग का जो मतलब लोकल एरिया है वहां पर कभी कभार सांप वगैरह कभी कभार निकलते रहता है, ठीक है। अभी भी ऐसा है कि हम लोग का लोकल एरिया में बार बार जहां तहां पर सांप निकलता है, तो जब सांप हम लोग का निकलता है तो हम लोग उतना ज्यादा पैनिक नहीं होते थे, ठीक है। पहले तो होता था कि लाठी वगैरह लेके दौड़ पड़ते थे। अब आप लोग ये बताओ कि क्या आपके घर में इस तरह से सांप वगैरह निकलता है, या कभी निकला है पास्ट में जब आप छोटे थे, या अभी कुछ दिन पहले, या आपके गांव में सांप वगैरह निकला है तो आपका क्या रिएक्शन था, वो कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब का जैसे ही सांप निकलता है ना, तो इनका पसीना छूट जाता है। कहाँ कहाँ से पसीना छूटता, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, वो हम भी नहीं बता सकते। मतलब पसीना इनका छूट जाता है, बहुत ज्यादा बेचारा का हालत खराब हो जाता है। सांप इनको देख रहा है और ये सांप को देख रहे हैं। आई सी यू, यू सी मी, टू मच फन, टू मच फन नहीं, सांप का फन वाला टू मच फन हो रहा है। नहीं जी, मतलब क्या मतलब हिलेरियस टॉपिक है ना। मतलब आप सोच सकते, इमेजिन करो कि इस तरह से डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने इस तरह से हंसने का रहा है, और कभी ये हमारे पीछे, कभी हम आपके पीछे, ना 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 ना, अरे रे 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 रे, ना 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 ना, अरे रे 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 रे, क्या लग रहा होगा ना वहां पर। हाँ, अब आगे क्या होता है ये भी समझिएगा। तो सांप का जो एक्शन है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर साहब के पसीने छूट जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं इनके, और होता क्या है बोलते हैं है? तो एक सांप जो होता है, फाउंडेड स्नेक लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, एक इनके शोल्डर के ऊपर जो सांप है वो आकर के बैठ जाता है। देख लो कितना ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा डरा देने वाला भाई सांप है इनके पास, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो देख लो कितना ज्यादा डरा देने वाला सांप है यहाँ, और नीचे में तो आप देख ही सकते हो कि किस तरह का सांप बना हुआ है। अब बोलते हैं बिफोर ही कुड डू एनीथिंग द वॉल्यूम सॉरी द वेनमस क्रिएचर Had coiled itself around his left arm. अब यहाँ पर जब तक ये कुछ करते, जब तक ये कोई एक्शन करते, तो venomous मतलब जो जहरीला प्राणी था, इनके हाथ से इस तरह से लपेट करके ऐसे आकर के बैठ गया, इनके सामने में आकर के इनको देखने लगा। दोनों के दोनों नजरे से नजरे मिला रही है, ठीक है, नैना अस्क हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, द डॉक्टर, देखिएगा नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पर, The doctor tried his best to hold his breath and become like a stone as he knew even a slight movement may kill him. अब देखो जब सांप आता है ना, तो हम लोग के बड़े बुजुर्ग हम लोग को सिखा कर ये गए हैं कि बेटा जब सांप आ जाए तो एकदम पत्थर में बन जाना चाहिए, पत्थर के जैसा हो जाना चाहिए, हिल डुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो सांप आएगा डस करके चला जाएगा और रह जाइएगा ऐसा ही आप बाबू। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर जब सांप का इस तरह का इंटोनेशन जैसे ही बना ना, तो डॉक्टर साहब डर गए। डॉक्टर साहब बोले एकदम जहां तक हो सके हमको अपना सांस रोक के चलना है। बेचारा एकदम धीरे धीरे सांस ले रहे, एकदम मतलब क्या बोले, पता चला आवाज आ रहा था, क्या आवाज आ रहा था, आवाज आ रहा था, कमेंट करके बताओ ना, कमेंट करके बताओ, तो आवाज आ रहा था, हम देख रहे हैं, कमेंट करके आप लोग बड़ा स्लो कमेंट करते हैं। नहीं, आवाज हम लोग, हम जानबूझ के आवाज रोक दिए थे, ठीक है। तो चलो आगे करके देखते चलते हैं कि क्या होने वाला है आगे।
तो डॉक्टर साहब का क्या है बेचारा, क्या जिस तरह से अभी मेरा सिट्टी पिट्टी गुल हुआ ना, मतलब आवाज गुल हो गया ना, डॉक्टर साहब का भी आवाज गुल हो गया, बेचारा बोल रहे थे लेकिन आवाजें इनका नहीं निकल रहा था, कस के बोलना चाह रहे थे आवाज नहीं निकल रहा था, डर के मारे ऐसा ही होता है, हर एक लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जब डॉक्टर साहब के साथ इस तरह का हो जाता है इवेंट, तो डॉक्टर साहब के साथ नेक्स्ट क्या होता है, द डॉक्टर वाज प्रेइंग फॉर द अलमाइटी ब्लेसिंग्स टू गेट रिड ऑफ द सिचुएशन। अब डॉक्टर साहब के भगवान मतलब मुंह से एक ही बात निकल रहा था, क्या एक ही बात निकल रहा था, हाँ डॉक्टर साहब के मुख से अब एक ही बात निकल रहा था, बस यही बात निकल रहा था ना कि डॉक्टर साहब भगवान को याद कर रहे थे, हे भगवान। जब बहुत ज्यादा डर लगता है ना तो अपने आप भगवान, ऐसे कितनों लोग आस्तिक रहे हैं, डर लगेगा ना तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नहीं डर लगेगा तो बदबू कहाँ से आए बदबू कहाँ से आए बदबू कहाँ से आए, यही करते रहेगा। नहीं जी अलग अलग बात है, ठीक है। तो बस यही चीज है, अब डॉक्टर साहब यहाँ पर इनका जो सिट्टी पिट्टी है वो गुल हो चुका है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमको बचा ले, ए ऊपर वाले हमको बचा ले और सांप को उठा ले, ठीक है। इट अपियर टू हिम दैट हिज लेफ्ट आर्म वॉज गेटिंग क्रश्ड अंडर द प्रेशर, देखो नेक्स्ट, अंडर द प्रेशर ऑफ विनोमस स्नेक। यहाँ पर क्या होता है भाई कि ये जो वेनमस स्नेक है इसके प्रेशर के द्वारा इसका मतलब इसका हाथ में क्या है, इस तरह से एकदम टाइट पकड़े जा रहा है, ये जो वेनमस स्नेक है वो इस तरह से एकदम कस के लपेटे जा रहा है, टाइट पकड़े जा रहा है, इनको हाथ को क्या लग रहा है कि अब मेरा हाथ का जो शक्ति है वो छिन धीरे धीरे छिन होता जा रहा है, नस टाइट होता जा रहा है, बेचारा क्या करे हाथ धीरे धीरे दबता जा रहा है। His mental and physical strength was drained off. इनका चाहे वो mental strength हो चाहे physical strength हो, दोनों drained होने लगा, मतलब दोनों खत्म होने लगा। काहे ने खत्म हुआ है, किसी का भी mental physical strength खत्म हो जाएगा जब सामने देख लेगा मौत है, सामने सांप है। तो क्या कहता है नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला जा रहा है, He leveled himself as a stupid fellow. ये अपने आप के माथा पर एक टैग बोलता है कि हम सच में पगला है, मतलब हंस रहा है अंदर अंदर हंस रहा है, बोल रहा है कि हम सच में पागल हैं यार, इतना बड़ा डॉक्टर है, एंड स्माइल एट हिमसेल्फ, मतलब हिमसेल्फ अपने आप पर हंस रहे होते हैं, क्यों भाई जानते हो, क्योंकि ये बताते हैं कि बताओ यार इतना बड़ा डॉक्टर है, हमारे पास अगर सांप काट लिया तो उसके लिए मेरे पास दवा भी नहीं है, कैसे जिंदा रहेंगे, क्या होगा मेरे साथ। तो बस यही बात है। नेक्स्ट ये है, वाइल सिटिंग While sitting breathless like a stone and thinking of his own consequences, the doctor saw suddenly the snake turned it hood towards the mirror. अब जानते हो क्या हुआ, डॉक्टर साहब बैठे हुए थे बहुत देर तक, बैठे हुए रहे बहुत देर तक, भगवान को याद करे, है भगवान बचा ले, है भगवान बचा ले, तो सांप का सडनली ये क्या हुआ कि वो चूहा ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, जो टेबल था मिरर लगा हुआ था, लालटेन वहीं पर रखा हुआ था, किताब वहीं पर रखा था, सारा कुछ वहीं पर रखा हुआ था, तो एक चूहा गलती से राफ्टर से नीचे गिर गया, जैसे ही गिरा तो सांप ऐसे था टेबल के ऊपर जैसे ऐसे था, और जैसे ही चूहा गिरा नीचे ऐसे करके सांप मोड़ा नीचे, और देखा नीचे में क्या लगा हुआ भाई, तो मिरर लगा हुआ है। अब ये देखो ये है भैया मिरर, और सांप क्या कर रहा है मिरर के सामने इस तरह से देर नजर बना लिया, अब सांप मिरर में देख रहा है, और उसके बाद क्या होता है धीरे 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 पता नहीं क्या होता है, सांप जैसे ही मिरर में देखता है कि एक सांप का रेप्लिका वहां पर बन रहा है, तो वहां से जो सांप है नीचे उतर जाता है, ठीक है, मिरर की तरफ चला जाता है। देन इट अनकॉइल्ड इटसेल्फ, उसके बाद वो अनकॉइल्ड अपने आप को कर लेता है फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म एंड क्रिप्ट ऑन द लिवर सेरस टेबल, इट मूव्ड टुवार्ड्स द मिरर, और उसके बाद क्या होता है ये यहां से धीरे 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 ससरता है, और ससरने के बाद टेबल के ऊपर अपने आप जाकर के बैठ जाता है। अब डॉक्टर साहब को थोड़ा सा लगा जान में जान आया है, हो सांस फुकाया है, हो लग रहा है बच गए हो, नहीं तो बचने का कोई चांस नहीं था भैया, ये तो डॉक्टर साहब के साथ एकदम क्लियरली बात था, डॉक्टर साहब बचने की कोशिश कर रहे थे, चलो किसी तरह से डॉक्टर साहब बच गए। अब क्या हुआ, एज द स्नेक, यह देखिएगा लिखा हुआ है, As the snake coiled itself from the doctor, जैसे ही snake uncoiled किया अपने आप को डॉक्टर्स के हाथ से, डॉक्टर लेफ्ट आर्म, एंड स्लोली मूव टुवर्ड द मिरर, और आईने की तरफ चला गया, ही फेल्ट इट्स परफेक्ट टाइम टू एस्केप, डॉक्टर साहब को लगा कि भागने का इससे अच्छा टाइम तो हो ही नहीं सकता है, डॉक्टर साहब बोले कि नहीं भागने का इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, तो डॉक्टर साहब क्या किए जानते हो, एकदम धीरे से ससर ससर के ऐसे
एकदम धीरे से ऐसे करके ससरे हैं, कुर्सी पर से उठे हैं, और उठने के बाद मतलब इस तरह से उठे हैं कि आवाज वगैरह इधर उधर नहीं जाना चाहिए, है ना। और उठे हैं और उठने के बाद क्या हुआ है, डॉक्टर साहब डायरेक्टली बिरबिरा के भागे हैं। और जो वहां से भागे हैं देखिए क्या बोलते हैं, ही केम आउट ऑफ द रूम। यहाँ पर केम लिखा हुआ है ना, केम नहीं है, बुक में यहाँ क्रेप्ट लिखा हुआ था, केम कर दिए कि समझ में आए, क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम मतलब सांप के तरह रेंग के एकदम धीरे 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 ससर ससर के कमरा से बाहर आए हैं। ही क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड वैनिश्ड इन टू द डार्कनेस ऑफ द नाइट। और रात के अंधेरे में इस तरह से भागा है, इस तरह से दौड़िन है कि मतलब गायब हो गए। अब एक छोटा सा थीम आप लोग को हम समझाना चाहेंगे क्या, कि जब ये बैठे हुए थे ना, जब ये टेबल के ऊपर बैठे हुए थे और जो सांप है ससर के नीचे गया आईना में, तो डॉक्टर साहब देखते हैं सांप को और बड़ा गौर से उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर है साथ ही साथ ये राइटर भी है। तो राइटर साहब क्या करते हैं, आप लोगों को तो पता होगा, राइटर साहब ऑब्जर्व करेगा, राइटर कोई भी रहेगा तो सांप को देखकर इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो सांप था मिरर में क्यों देख रहा था, क्या ये सांप भी इन्हीं के तरह शादी उदी के बारे में सोच रहा था, बर्मिलन डॉट लगाने का, लिपस्टिक लगाने का, लेडीज सांप टाइप के लग रही थी, एकदम ब्यूटीफुल लग रही थी डॉक्टर साहब को, तो मतलब इसी तरह से सांप का सुंदरता का बखान किया गया। नेक्स्ट कहते हैं, ही डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल ही रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। वो दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते 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 अपने एक दोस्त के यहाँ पहुंचे। ये देखो यहाँ से दौड़ना शुरू किए और जब तक दोस्त के यहाँ नहीं पहुंचे वो रुके नहीं वहां पर, है ना। रीचिंग देयर, वहां पर जैसे ही पहुंचे, ही हैड बाथ, वह तुरंत स्नान करने के लिए चले गए। भाई अब थोड़ा सा बैटरी और बचा हुआ है, ठीक है, तो क्लास फटाफट लेते हैं और उसके बाद कल से बैटरी आपका फुल चार्ज करके रखेंगे। एक्चुअली है क्या कि सुबह 7 बजे का क्लास, फिर 8 बजे का क्लास और लाइव लेना है तो कंजप्शन तो है भाई, फिर 9 बजे का क्लास। अच्छा एक बात हम बता दें आप लोगों को कि कल से जो मैथमेटिक्स का क्लास आने वाला है वो सुबह 8 बजे से नहीं आ करके दोपहर में 12 बजे से आएगा, ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि सुबह सुबह में आप लोग को ज़्यादा कन्वीनियंस मतलब इनकन्वीनियंस नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने ये प्लान करा। अब सुबह में है भाई तो सब्जी वाला है ना, दूध वाला, ये वाला, वो वाला, यहाँ वाला, वहाँ वाला, सब अपना आता जाता रहता है, आता जाता रहता है, तो उसका आवाज़ आ जाता है। अब आवाज़ हमको नहीं अच्छा लगता है कि वो आवाज़ आप लोग के पास पहुँचे, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट हम लोगों ने किया है। राहुल सर का बोर्डे पर जा सकता है, इस तरह से राहुल सर तो ले नहीं सकते हैं, तो इस तरह से मेरा आ रहा है तो आएगा। शाम में मेरा 4 बजे से जैसे है वैसे चलेगा, सुबह 7 बजे से जैसे है वैसे चलेगा, और दो मतलब सुबह में 9 बजे से जैसे जैसे चलेगा, फिर उसके बाद 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 भी जो चल रहा है चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग बोल रहे हैं 8 से 9 वाला टाइम जो है वो हो जाएगा चेंज आपका। अब आगे थोड़ा सा बढ़ चलते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग अपना घर पर दोस्त के यहाँ गए, जाने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद दूसरा कपड़ा पहनते हैं और पूरे शरीर पर ऑयल लगाते हैं। देखो जब सांप वगैरह से डर लगेगा ना आपको, तो क्या करिएगा आप लोग जा करके, रोहित हमारे सॉरी राखी हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, राखी है और रितेश रॉय है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर क्या बात है भाई, आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर साहब घर गए दोस्त के यहाँ, जाने के बाद स्नान किए, ऑयल लगा दिया, जब सांप वगैरह से डर लगता है ना तो ऑयल लगा दिया, नहीं बोलता है सप्पा ऊ फोटुआ खींच को अगर खेत के मारते हो तो ऑयल लगा लीजिएगा ना, तो फोटो डिलीट हो जाएगा, मतलब आपका चेहरा बदल जाएगा, फोटो तो नहीं खींचता है, ठीक है। कहते हैं ही फाउंड, अब हुआ क्या, सुबह अगले सुबह वो अपने दोस्तों के साथ वापस वहीं पर जाते हैं, उसी घर में जाते हैं, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम बैक टू द हाउस कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स एंड टू लीव द हाउस फॉर एवर, अपने घर को खाली करने के लिए कुछ सामान था उसको लेने के लिए वह वहाँ दौड़ते हैं। ही फाउंड द थीव्स हैड स्टोलन एवरीथिंग एक्सपेक्ट हिज डर्टी एक मिनट एक्सपेक्ट हिज डर्टी वेस्ट। तो बोलते हैं क्या है कि वेस्ट का मतलब यहाँ पर हो जाता है कच्छा, तो इनका डर्टी जो वेस्ट था, फटा हुआ कच्छा जो था, उस कच्छा को छोड़ करके बाकी जितना भी चीज अच्छा था उसको अच्छे से चोर लोग चुरा करके निकल गए थे, बाकी जो बचा हुआ था यहीं पर है भाई, एक कच्छा छोड़ करके चले गए थे चोर लोग। डॉक्टर साहब को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। द डॉक्टर टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट इट इज़ ट्रू दैट ही वॉज सिवरली फ्राइटेंड व्हेन द स्नेक ऑन हिम एंड इट वॉज एन इम्प्रॉम्प्टू इंसिडेंट। तो ये इनके लिए बहुत खराब था। यहाँ पर वेस्ट का मतलब देखो एक गंजी दिखाया जा रहा है, गंदा नहीं कच्चा होता है, ठीक है, कच्चा गंजी दोनों इनर वेयर के अंतर्गत में आता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं
व्हाट द थीफ डिड वाज नो डाउट एन इंसल्ट टू हिम। अब जो चोर किया था वो चोर एक कहीं काम किया था वो डायरेक्टली राइटर साहब का बहुत बड़का को इंसल्ट था, बेइज्जती। क्या बेइज्जती था भाई? अब कोई किसी का कच्चा चुरा कर, मतलब सब सामान चुराएगा और उसका कच्चा छोड़ देगा तो वही ना लगेगा कि इसका बेइज्जती है। द थीफ हैड टेकन अवे हिज बिलोंगिंग्स, हिज धोती कोट इटीसी एंड लेफ्ट हिज डर्टी वेस्ट फॉर हिम। उसके लिए जो गंदा सा वेस्ट था वो डॉक्टर साहब के लिए छोड़ करके चले गए थे। तो डॉक्टर साहब बड़ा ज़्यादा यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, देख लीजिए काहे डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा खुश काहे नजर आ रहे हैं, आपका तो उदास होना चाहिए। इट सीम दैट द थीप्स प्रूव्ड हिम टू बी एन अनक्लीन एंड अनटीडी फेलो एंड फॉर द डॉक्टर इट अटर इंसल्ट वाज टू हार्ड टू डाइजेस्ट। और ये डॉक्टर साहब को प्रूव करना चाह रहा था वो जो चोर था कि ये जो आप काम किए हैं ना बहुत गलत काम किए, अनक्लीन अनफेलो वाला काम किए हैं, आप गंदा आदमी हैं, आपसे ज़्यादा साफ तो वो चोर रहता है। और डॉक्टर साहब को ये बहुत बुरा लगा। तो सिंपल सा बात यही है ना बाबू, देखो एक मिनट, हाँ तो बात सिंपल सी यही है भाई कि ये जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ है जो भी घटना, एक मिनट, हाँ तो डॉक्टर साहब के साथ जो भी घटना यहाँ पर हुआ है ये जो है कैटास्ट्रोफिक घटना था, ठीक है। ये घटना कैसे हो रहा होता है, तो एक बार डॉक्टर साहब एक मतलब मेले में दोस्त लोग के साथ ऐसी पार्टी में बैठे हुए होते हैं, यहाँ पर चार दोस्त बैठे हुए हैं, तीन दोस्त उनके अलग अलग और यहाँ पर ये बैठे हुए, तो जब ये बात कर रहे होते हैं ना उन अपने दोस्तों से तो अपने दोस्तों को ये बताते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ फला फला जगह पर इस तरह से हुआ था, ठीक है। सारे कोई दोस्त इनके बारे में विश्वास ही नहीं कर रहा था कि ये सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। लास्ट में इनके दोस्त को ही पता चल गया कि नहीं सही बात है, और उसके बाद जो डॉक्टर साहब है इस कहानी को सुनाते हुए सारे लोग हंसते हैं, पार्टी हो जाती है ख़त्म और इसी तरह से कहानी भी हो जाता है ख़त्म। इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना वो आप लोग क्या करिएगा, बनाने का कोशिश करिएगा। स्टोरी हो जाता है यहीं पर आपका एंड भाई, तो कोशिश करिएगा इसका क्वेश्चन आंसर बने, नहीं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मतलब हाँ भाई सर आप ही क्वेश्चन आंसर लेके आइएगा। एक बार आप बता दीजिए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा, बस एक बार कमेंट में बता दीजिए कि सेशन कैसा लगा। लाइव चैट में ही बता सकते हैं, कमेंट में ही बता सकते हैं, सो दैट हमको पता चले कि OBS से ज़्यादा अच्छा रहेगा लेना कि यहीं से ज़्यादा अच्छा रहेगा लेना। आवाज़ क्लियर था, विजुअलाइजेशन क्लियर था, इफेक्ट क्लियर था, सारा कुछ साफ साफ था कि नहीं, बस ये बात एक बार हमको बता दीजिए आप। सब ठीक ठाक था आज? फटाफट कमेंट करिएगा, लेट नहीं करिएगा, क्योंकि अब करेंगे क्लास को एकदम एंड जल्दी से जल्दी। अब देखो अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर हो भाई, मीन्स नए व्यूवर्स हो हमारे चैनल के ऊपर, तो मेक श्योर हमारे चैनल को भाई एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप चैनल को कर लेते हो सब्सक्राइब तो आने वाले जो भी नोटिफिकेशन, इस तरह का घंटा वाला सिस्टम है, जो भी नोटिफिकेशन होगा, हम लोग का डेली लाइव सेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइव सेशन है आप लोग को डेली मिलता जाएगा, कभी भी लाइव सेशन में प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी, तो ये चीज़ है आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा हो ना हो आपके लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस चीज़ को क्या करो, कोशिश करो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेने का हमारे इस चैनल को। तो हाँ कमेंट आ चुका है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के अगले क्लास में मिलते हैं शाम को 4 बजे वाले क्लास में, वहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही मस्त सेशन। तो आज हम लोग का आई थिंक सो प्रीपोजिशन हो चुका था, कंजक्शन देखने वाले हैं, या हो सके तो प्रीपोजिशन को ही और अच्छे से देखेंगे। एक बार आप लोग कमेंट ये करके बता दो कि शाम वाला क्लास बोर्ड के ऊपर रखा जाए कि इसी तरह से लाइव सेशन दिया जाए, मीन्स स्लाइड शेयर वाला लाइव सेशन दिया जाए। एक बार आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ, उसके बाद करते हैं क्लास को एंड, जल्द से जल्द बताओगे। ठीक है, तो शाम वाला जो क्लास है वो हम लोग का अगेन स्लाइड शेयर के ऊपर होगा, ठीक है, स्लाइड शेयर से ही क्लास करेंगे, सो दैट आप लोग को भी जो है यहाँ से हेल्प मिलती चली जाए। और बस यही है आज के लिए, इतना ही, द एंड करते हैं आज के इस क्लास को, मिलते हैं कल के क्लास में, सॉरी शाम वाले क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तबीयत का ख्याल रखिए, घर में रहिए, ठीक है, और सुरक्षित रहिए। बाकी तो हम वैक्सीन लगा लिए हैं, सबको बता देते हैं कि हम वैक्सीन लगवा लिए हैं, फंटा मतलब अब सब ठीक ठाक है भिड़ो, ठीक है। तो कल शाम को मिलते हैं, बस करते हैं क्लास को एंड, थैंक यू वेरी मच।